जीएम के पद पर तैनात हैं। देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक के मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो इसके लिए भी मेरे द्वारा थाना प्रबंधन जनपद प्रयागराज में बाद किया गया है और इसकी विवेचना चल रही है। दो बच्चियां हैं और बच्चियों के भविष्य के लिए वो अपनी अंतिम पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर लौट जाएं। ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में अपने पति सहित आलोक भैया करे गुहार नदिया बहो सरकार, आलोक भैया करे पुकार नदिया बहो सरकार, जिंदगी बर्बाद करी, जिंदगी बर्बाद करी, पत्नी छोड़ देल कोई हो नया यार को जल कोई हो ना, जिंदगी बर्बाद करी कोनिया छोड़ देल कोई हो नया यार को जल कोई हो ना, हो भैया एसडीएम को भेल नहीं लाज हो खुजल के नया यार हो ना। सही कर लिया जाए, हमने कहा बैन में पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है। सर ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक मैरियट होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। चार दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जाँच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर हम सर चतुर श्रेणी कर्मचारी हैं सर। आपने बताया रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या पकड़ा? सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास सरेलनगंज स्थित में आ गया सर। मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो सर मैं शिकायत किया था सर महिला थाना में, मैंने किया था इसकी शिकायत महिला थाना में, बुलाया गया बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी
जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने बड़ी पूरी डिवाइस को रिसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाएं। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके सभी चैट्स वायरल कर दिए हैं, वो उनसे तलाक चाहती हैं। पीसीएस ज्योति मौर्य बरेली के सेमीखेड़ा स्थित शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। देखिए आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाद क्षेत्र के लिए तलाक के मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा। आलोक मौर्य का कहना है कि उनकी 2 बच्चियां हैं और बच्चियों के भविष्य के लिए वो अपनी एसडीएम पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है, वो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर लौट आएं। ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं।